जय हिंद। सीआरपीएफ एचसीएम और एसआई दोनों का जो सिलेबस की बात कर रहे थे, जो आपका चार सब्जेक्ट दिया गया है, हिंदी अब्लिक इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड, तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस और चौथा है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इन सब्जेक्टों में किस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको टॉपिक वाइज डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ, ये मेरे पास पूरा अभी है, तो इसके माध्यम से मैं आपको पूरा बताऊंगा। फिलहाल आप इसको टेलीग्राम में भी, जो हमारा चैनल टेलीग्राम है उसमें भी पा सकेंगे। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद बताऊंगा जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद जो जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एज ए मैथमेटिक्स होता है। अब इसमें मैथमेटिक्स कैसा आएगा, देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अभी हम बाद में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले आप हिंदी वाले जो हैं वो हिंदी का देख लें, और जो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे वो इंग्लिश वाले के लिए भी है। सबसे पहले हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मौलिक ज्ञान से संबंधित वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों का, लिंग, वाचक, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अभ्याय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक या उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। ये हिंदी वाले जो हैं उनके लिए है। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक, एरर्स, सिनानिम्स एंड एंटानिम्स, स्पेलिंग अब्लिक डिटेक्टिंग, ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपसे सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। इसमें पैसेज भी पूछे जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन का होगा, आपको पता है। अब आ जाता है आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड आपका एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि आप लोग उसमें कंफ्यूज हैं। कहीं से आपको जानकारी मिल रही है कि जीके है, कहीं से मिल रहा है जीएस है, तो मॉक टेस्ट में आपको कुछ और मिल रहा है, आपके पुस्तक में कुछ और मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको, कि आपका जो आएगा क्लर्कल एप्टीट्यूड, क्लर्कल एप्टीट्यूड आपका कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन तक फंसेगा और आएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाएगा जो होता है अल्फाबेटिक फिलिंग, एक फिल करने के लिए होता है, आपको जगह दिया रहेगा, उसके बाद में आगे 4 क्वेश्चन दे दिया रहेगा। उस अटेंशन टू डिटेल्स, आप किसी चीज को बता देगा उसको ध्यान पूर्वक आपको भरना है, देखना है। और डाटा चेकिंग, डाटा चेकिंग का मतलब यह है कि किसी प्रकार का डाटा दिया है उसमें कामा बिंदी वर्ड को कम ज्यादा कर देता है। स्पेलिंग चेकिंग, स्पेलिंग में आपको इधर उधर हेर फेर कर देगा, उसको भी आपको चेक करने के लिए बोल देता है, ठीक है। एरर्स स्पॉटिंग, जो आपके एरर्स हैं, कुछ दे दिया होता है कि इधर आपको सही होता है और उस साइड में जाके जो आपको ऑप्शन दिया रहता है वहां पे गलत होता है, तो आपको टैली करके जो गलत वाले हैं उसको करेक्ट करना रहता है। अब इसी में ही आएगा जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आएगा आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। कंप्यूटर से क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, कुछ शॉर्ट की के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, WWW का मतलब, HTTPS का मतलब, ये सभी आपको जानकारी में होना चाहिए। इससे भी आपका कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्लियर है। और जो जीके जीएस और आपका करंट अफेयर्स है, देखिए इसमें तो इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, फिलहाल जब बुक्स में दे दिया है और आपको कई लोग बता भी दिए हैं, कुछ क्लर्कल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे जो रीजनिंग टाइप होंगे, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का, इसका भी आप मान के चलिए 10-11 नंबर ये भी आ जाएगा, और ये 13-14 नंबर आपका, ये दोनों कंप्यूटर और क्लर्कल एप्टीट्यूड मिला के हो जाएगा। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए। अब आ जाता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप इसमें जो आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, जैसे पढ़े होंगे, जैसे आप अभी पढ़ रहे होंगे अपना रीजनिंग, रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे, तो वही रीजनिंग आपसे जनरल इंटेलिजेंस में पूछा जाता है। जो रीजनिंग आप दिए होंगे CHSL का, या दिए होंगे आप पिछली बार HCM का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड,
और या दिए होंगे आप सीआईएसएफ का उसमें भी, और या दिए होंगे आप बीएसएफ का उसमें भी, जो रीजनिंग पूछा जाता है सेम रीजनिंग आपका वही रहेगा। अब बात आ जाती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये आपको बता देता हूँ आज, ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। कुछ मैथमेटिक्स होती हैं जो अर्थमेटिक बोली जाती हैं, अर्थमेटिक का मतलब 10th लेवल या 12th लेवल में होता है। ये आपको बता देता हूँ कि ये मैथमेटिक्स आपका ग्रेजुएट लेवल समथिंग हो जाएगा। फिलहाल ग्रेजुएट लेवल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वही क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन थोड़ा टफ हो सकता है। टफ होने का मतलब आप देख सकते हैं जो आपके पास है ये दिख रहा है, इसमें आपको कहीं मैं टिक लगाया हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या दिख रहा है, ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका दिख रहा है ग्रेजुएट लेवल, उल्टा है फिलहाल आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपका इसमें क्या क्या पूछेगा आप ध्यान देना, ठीक है। इसमें आपसे परसेंटेज से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का मतलब वही आपका जो नॉर्मल से मैथमेटिक्स होगा, टाइम एंड वर्क आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला आएगा जो आपका है, एवरेज आ जाएगा, ठीक है, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, और एज प्रॉब्लम्स वाले आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएंगे, नंबर सीरीज आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये जो पाइप्स वाले होते हैं क्वेश्चन वो भी आ जाएंगे, रेशियो एंड पार्टीशन वाला आ जाएगा, ये सभी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का जो है घबराने का, चिंता करने की बात नहीं है। तो जैसे आपकी तैयारी चल रही है आप उसी तैयारी में लगातार चलते रहिए, उस तैयारी में आप लगातार चलते रहेंगे तो आप 100% सफल होंगे, क्योंकि ये आपके लिए मेहनत का बहुत बड़ा समय है। ये समय आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप 5-6 साल से, कोई भी हो, इवन हम भी हों चाहे आप हो, तो 5-6 साल से अगर जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर उस वैकेंसी को हम आसानी से टाल देंगे तो बहुत दुख की बात है कि हम कि इतनी दिन से तैयारी की है और यहाँ पे आके हम फंस गए। तो आपको इस जगह पे तैयारी के साथ साथ टाइपिंग को भी लेके चलना है, दोनों चीज़ आप साथ लेके चलेंगे। और किसी दिन मैं आप लोगों को जो पीएचडी से संबंधित पूरी जानकारी है बताया हूँ फिलहाल, लेकिन उसको पूरा फाइनली डिटेल्स, जो डिटेल्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा सब्जेक्ट का आपका जो क्लियर किया गया है, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए, जीके जीएस में भी जोर दीजिए, लेकिन फिलहाल मैं बोलूँगा कि जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड पूरा फाइनली भी हो सकता है। आपको कारण बता दूँ, कारण ये है कि यदि अगर सिलेबस में कोई बदलाव किया होता सब्जेक्टों में, जैसे ऊपर का नाम तो चेंज कर दिया जनरल एप्टीट्यूड, पहले क्या होता था क्लरिकल एप्टीट्यूड, अगर इसमें कुछ बदलाव किया होता तो आपको जरूर जो सिलेबस का डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन में दिया गया होता। तो ये आपको भी पता है कि यदि ऐसा कोई सिलेबस बनता है तो उसमें पूरा फुल डिटेल्स दिया जाता है। तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जब नोटिफिकेशन में, तो आप मान के चलेंगे कि आपका जीके जीएस भी आएगा, क्योंकि दिया नहीं है तो क्लरिकल एप्टीट्यूड तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और कंप्यूटर से भी आपको आएगा ही आएगा। अब जीके जीएस भी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दिया है तो आएगा ही आएगा, तो आप इतना समझ सकते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा है, समझ आया तो। थैंक यू।